डियर स्टूडेंट्स, परसों हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए थे आज के लिए, तो आज उन टॉपिक्स को हम लोग करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह परसों के टॉपिक्स डिसाइड हो चुके हैं, उसे देखते हैं। दरअसल परसों के टॉपिक जो 24 तारीख का टॉपिक होगा, उसमें हम लोगों ने बिहार की एक पर्सनैलिटीज़ पर, हमेशा हमने कहा कि एक टॉपिक हम लोग करेंगे सहजानंद सरस्वती। अगली बार का टॉपिक है बिहार में किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये करेंगे। साथ में बिहार की सीमा करेंगे, क्योंकि आज हम लोग बिहार की सीमा नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग परसों करेंगे, क्योंकि आज एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ चुका है। साथ ही हम लोग जो सब्जेक्ट से टॉपिक करेंगे वो इंडियन पॉलिटी का है, जो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार है। तो ये तीन टॉपिक हम लोग करेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लें। आइए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक जो हम लोगों ने बिहार की पर्सनैलिटी पर एक टॉपिक डिसाइड किया था, वो है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल यानी कि बिहार में चंपारण आंदोलन के लिए उसकी नींव रखने वाले नेता। राजकुमार शुक्ल का जन्म 1875 में पूर्वी चंपारण के सतबरिया गांव में हुआ था। खाते पीते किसान थे और इनकी कर्मभूमि बगल का एक गांव मुरली भरहवा था। ये एग्ज़ाम में आ चुका है 2 साल पहले बीपीएससी में कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे, तो मुरली भरहवा उसमें चॉइस था उस वक्त। मुरली भरहवा इनकी कर्मभूमि थी। ये खाते पीते किसान थे, अच्छी खासी खेती थी इनकी, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा फोर्स्ड ज़बरदस्ती चलाए गए तिनकटिया प्रथा के ये खिलाफ थे, जिसमें 20 कट्ठे ज़मीन पर 3 कट्ठा नील की अनिवार्य खेती यानी फोर्स्ड कल्टीवेशन करना पड़ता था। चूँकि अमेरिका में 1776 में स्वतंत्रता संग्राम के छिड़ जाने के कारण नील वहाँ से ही यूरोप को मिलता था, लेकिन वहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गया तो वहाँ से नील का आना बंद हो गया। पहले केमिकल डाई नहीं था तो नेचुरल नील ही यूज़ होता था जिसकी खेती होती थी। तो अमेरिका से बंद हो जाने के कारण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जिम्मेदारी को उठाया और पहले तो बंगाल में नील की खेती करनी शुरू की और बाद में बिहार में भी इसको इंट्रोड्यूस किया, जो तिनकटिया प्रथा कहलाया। तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने इसके खिलाफ विरोध किया, आवाज़ उठाई। अच्छे किसान थे, जानकार थे, महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। ऐसे में लखनऊ में जब कांग्रेस का 1916 में वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, ये वहाँ पहुँच गए और महात्मा गांधी को इन्होंने मनाया कि आप चंपारण चलकर देखिए किस तरह से अंग्रेज़ वहाँ पर किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने उस वक्त चंपारण का नाम तक नहीं सुना था। ये बात उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसमें उन्होंने कहा है। एनीवे उन्होंने कहा कि ठीक है, अपॉइंटमेंट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं। राजकुमार शुक्ल वहीं नहीं रुके, फिर महात्मा गांधी के साथ साथ होते हुए वो कलकत्ता पहुंच गए और कलकत्ता पहुंच कर वहाँ उन्होंने फिर से महात्मा गांधी को याद दिलाया। तत्कालीन कलकत्ता, उन्होंने याद दिलाया कि आपको चंपारण चलना है, लेकिन महात्मा गांधी ने लाख बचने की कोशिश करने के बावजूद इनके डेडिकेशन को देखकर चंपारण आने के लिए तैयार हो गए और अप्रैल 2017 में महात्मा गांधी चंपारण आए और पूरे भारत में ये एक बड़ा मिसाल बन गया। क्योंकि महात्मा गांधी के जीवन का, पॉलिटिकल करियर का ये पहला ऑल इंडिया मूवमेंट था। महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन चंपारण आंदोलन था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अपने आंदोलन के लिए जाने जाते थे, भारत में अभी उन्होंने कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा था। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने यहाँ पर आंदोलन किया, आंदोलन में भारतीय किसानों की, महात्मा गांधी की जीत हुई और तिनकटिया प्रथा को एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया। राजकुमार शुक्ल जो कि इसके सूत्रधार थे, उन्हें सन 2000 में जब 125वीं इनकी जयंती थी, 1875 में इनका जन्म हुआ था, तो सन 2000 में 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने भारतीय डाक पर इनका एक स्टैम्प भी जारी किया था और बिहार की सरकार ने पिछले साल जब शताब्दी वर्ष चंपारण आंदोलन का चल रहा था तो गांधी संग्रहालय पटना और गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में इनके मूर्तियां लगाई गई। इन पर कुछ बुक्स छपा है जिसका नाम जानना चाहिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये दिख जाए। ये बुक है चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी। ये अरविंद मोहन ने ये बुक लिखी है, चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी। और दूसरी बुक जो अरविंद मोहन ने ही लिखी है, इन पर ही, राजकुमार शुक्ल पर ही है, मिस्टर एम के गांधी की चंपारण डायरी। तो ये दो बुक बहुत ही
लोकप्रिय बुक है और ये राजकुमार शुक्ल से संबंधित है, तो ये भी हमें जानना चाहिए। तो राजकुमार शुक्ल पर इतना ही हमें ध्यान में रखना चाहिए, आगे भी इस तरह के पर्सनालिटीज़ पर हम लोग करेंगे। आइए अब दूसरा टॉपिक करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है। पिछले दो दिनों में करंट अफेयर्स पे कई सारे प्रश्न निकल कर सामने आए, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो इस ओर आपका ध्यान गया होगा। कई लोग पूछते रहते हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस कैसे करें, तो मैगजीन में डायरेक्ट करने से पहले जब वो पेपर्स में दिखते हैं तब ही उनको दरअसल हमें देखना चाहिए और उन्हें नोट डाउन करना चाहिए। पिछले दो दिनों में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के निकल कर सामने आए, जैसे वर्तमान सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, साथ ही 100 रुपये का नया नोट मार्केट में आ चुका है, इसके पीछे किसका चित्र है और इसका साइज क्या है, वर्ल्ड कप 2018 फुटबॉल का हाल ही में समाप्त हुआ है, किसे बेस्ट प्लेयर का गोल्डन बॉल और सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट का अवार्ड मिला, तो ये सारी चीजें हैं। पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की घोषणा हो चुकी है, तो ये सारे तथ्य हैं जो करंट अफेयर्स के हैं। आइए इसे आज देखते हैं। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखा वो है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। दरअसल किसी भी सरकार के विरुद्ध अगर 50 सांसद ये निर्णय कर लेते हैं कि सरकार पर उनका विश्वास नहीं है, सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, तो वह लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, यानी अविश्वास का प्रस्ताव। और यही 20 तारीख को हुआ, दो दिनों पहले, जब वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उससे संबंधित कुछ तथ्य निकल कर सामने आए। 1963 में सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन जेबी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के विरुद्ध लाया था, इंडो चाइना वॉर में जो भारत की स्थिति हुई थी उसके विरुद्ध जेबी कृपलानी ने यह कदम उठाया था। ये हालांकि जवाहरलाल नेहरू ये कॉन्फ्रेंस जीत गए, सरकार बच गई, लेकिन पहली बार 1963 में अविश्वास प्रस्ताव आया। सबसे अधिक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ, 15 बार, और 3 बार ऐसा हुआ जब सरकारें गिर गई हैं। एक बार 1990 में वीपी सिंह सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया यानी सरकार गिर गई, दूसरी बार 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी, और तीसरी बार 1997 में HD देवगौड़ा सरकार गिर गई थी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद। तो 3 बार ऐसा हुआ, और इसमें एक है कि वर्तमान जो प्रस्ताव था इस बार जो आया 20 तारीख को वो 27th नो कॉन्फिडेंस मोशन था, तो ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा पॉइंट है 2+2 डायलॉग की घोषणा हुई है, तो ये 2+2 डायलॉग यानी 2+2 वार्ता किसके बीच आयोजित होगी, तो इसकी घोषणा हुई है 6 सितंबर 2018 को अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 2+2 डायलॉग करेंगे, यानी उधर के दोनों मंत्री और इधर के दोनों मंत्री बैठेंगे, इंडिया में ये बातचीत होगी, तो ये भी एक बड़ी खबर थी 2+2 डायलॉग। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप अभी ख़त्म हुआ है, उससे संबंधित तथ्य मैगजीन में आएंगे 10-15 दिनों के बाद, और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बन जाएंगे। जैसे पहली बात तो फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके दरअसल ये वर्ल्ड कप जीता, 4-2 से फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया, 20 सालों बाद 1998 में जीता था फ्रांस ने वर्ल्ड कप और अब इसने जीता है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल का अवार्ड मिलता है, जो बेस्ट प्लेयर होता है टूर्नामेंट का उसे गोल्डन बॉल का अवार्ड मिलता है, ये मिला है क्रोएशिया के लूका मोड्रिक को, क्रोएशिया के कैप्टन लूका मोड्रिक को गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उस खिलाड़ी को गोल्डन बूट का अवार्ड मिलता है, ये मिला है इंग्लैंड के हैरी केन को, गोल्डन बूट पुरस्कार हैरी केन को मिला है। जस्टिस एम आर शाह पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसकी घोषणा कर दी है, अब सरकार का इस पर मोहर लगेगा और ये नियुक्त होंगे। महिला हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हो गया है लंदन में, इस पर हमें नज़र रखना है, क्योंकि इसके चैम्पियनशिप, इसमें विजेता उपविजेता के नाम इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, और ये कहाँ हो रहा ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही 100 रुपये का नया नोट आ गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है,
पिछली बार 2000 का नोट जब आया था तो कई एग्ज़ाम में उसके डायमेंशन पूछे गए थे, यानी साइज़। इसका साइज़ आप ध्यान रख लें 66 × 142, 66 × 142 mm का साइज़ है। और इसमें महात्मा गांधी के पीछे रानी की बाव का चित्र है, फोटो है। ये रानी की बाव क्या है? ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में घोषित हो चुका है, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी ऐसा साइट जिसकी सुरक्षा करनी है। तो रानी का बाव गुजरात के पाटन ज़िले में 11वीं शताब्दी में चालुक्य राजा भीम फर्स्ट ने अपनी रानियों के लिए बनाया था। बाव मीन्स बावड़ी, यानी कुआं या पानी जमा करने का स्थान। रानियां जहां पर स्नान करती थीं या जहां पर फ्रेश होती थी। तो ये रानी का बाव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुका है 2014 में, और अब सरकार ने 100 रुपये के नोट पे इसे छापा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसे आप ज़रूर नोट डाउन करें। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट डाउन करें। आपसे यहीं पे इजाज़त लेंगे, परसों फिर एक नए टॉपिक के साथ जो आपको दिया जा चुका है हम लोग मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।